इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में Instagram, Facebook, Twitter का अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपके चैनल पर कोई विजिट करता है तो सबसे पहले आपका चेक करता है अबाउट सेक्शन। वहां पर जब अबाउट सेक्शन में Instagram और Facebook, Twitter ID लिंक होता है तो चैनल थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है, और जब वो आपके वीडियो को चेक करता है, अच्छा लगता है, उसे पसंद आता है, तो दोस्तों वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर आईडी कैसे ऐड करते हैं या कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी नहीं लिंक किया है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करके और जाइए अपने चैनल पर अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी लिंक करिए ताकि अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको YouTube से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ से आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है और ऊपर 3 डॉट आपको दिख रहा है राइट तरफ, इस 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डिस्टर्ब साइट चूज़ कर लेना है ताकि आपके मोबाइल में कंप्यूटर के जैसा ओपन हो। तो प्रोफाइल पर क्लिक करना है और योर चैनल में आ जाना है आपको दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, कस्टमाइज चैनल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्रोम के थ्रू YouTube स्टूडियो आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देखिए 3 ऑप्शन आ गए, लेआउट, ब्रांड, बेसिक। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, ये रेड वाला जो आइकन शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको मोबाइल की तरह भी दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ लास्ट वाले से ऊपर पर क्लिक करना है। तो फिर उसके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, बेसिक इन्फो पर आ जाना है आपको। यहाँ पर देखिए अपना डिस्क्रिप्शन भी फिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन फिल कर लेना है जैसे जिस तरीके से करना है। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका चैनल का URL हो गया। फिर कस्टम URL अगर आपको बनाना है तो यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा, आप बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अब आते हैं नीचे फ्रेंड्स, और अब आपको बताते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का ID इसमें कैसे लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। तो अभी नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए ऐड लिंक का ऑप्शन है। जब यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो ऐड लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा ऐसे, और फिर आपको आगे लिखना रहेगा इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद आपको अपना लिंक कॉपी करके साइड में पेस्ट कर लेना, जैसे आप सेम देख सकते हैं। फिर सेम ही करना रहेगा, ऐड पर और क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का ID आपको पेस्ट कर देना है। ऐसे अगर आपको ट्विटर करना है तो ट्विटर का भी ऐसे सेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू चैनल लिखा हुआ है, कैंसिल चैनल लिखा हुआ, फिर उसके बाद पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिश। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है इसलिए ब्लू नहीं दिख रहा, तो आप में ब्लू दिख रहा होगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर लेना है, आपका लिंक ऐड हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको YouTube से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।